बेटा ये ना कर, मैं कर लूंगा, तू सिर्फ दबा। उस्ताद को सही दबाते हैं। माखा साहब। हाँ जी। इसे तुम आशरीफ बना दें। आशरीफ इसको मैं इसको नवाशरीफ कैसे बना दूं मैं? हाँ, टिंड कर दे इसकी। क्यों, इसको सियासत में भेजना है? नहीं, पिंड खाला के पास भेजना है। क्यों? हाँ, यहाँ शहर में रहेगा तो खराब हो जाएगा, पिंड खाला के पास रहेगा समझदार हो जाएगा, और वैसे भी वहाँ जाके कुछ पढ़ लिख जाएगा, वरना यहाँ तो नकम्मा ही रहेगा ना। हर वक्त शरारतें, बात बात पे झूठ, और किसी की मानता भी नहीं है, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देता, बच्चों की चीजें छीन छीन के खा जाता है। और माँ कहती है अगर इसकी यही हरकतें रही ना तो जरूर सियासतदान बनेगा। इसीलिए इसको पिंड भेज रहे हैं। ओ काकी, लोग पिंड से शहर पढ़ने के लिए आते हैं। शाहजी आते थे लेकिन अब नहीं। और क्यों, वैगनें बंद हो गई हैं? तुझे कैसे पता है? मीडिया शाहजी, मीडिया बताता है, हम थोड़ी खुद से अंदाजा लगा लेते हैं। अगर आपके घर में टीवी है ना तो देखा करें, ताकि आपको भी पता चले दुनिया में क्या क्या हो रहा है। माँ कहती है ये कयामत की निशानी है, कयामत आने वाली है। हाँ, क्या वाकई क्यामत आने वाली है? ओ, जब माँ कह रही है तो ठीक ही होगा। मुझे जज दे। वजह? वो क्यामत आने वाली है, मैंने तो बड़े लोगों से पैसे लेने हैं। और नहीं, नहीं, अगर क्यामत आ गई तो फिर मेरे पैसे मर जाएंगे। और नहीं चौधरी साहब, कोई बात नहीं है, यहाँ लोग मर जाएंगे, वहाँ पैसे मर गए तो क्या है। वाह जी वाह चौधरी साहब, सदके जाऊँ आपके, आपकी जहानत के सदके जाऊँ। मुझे तो लगता है कि आप कोई चीज ईजाद कर लेंगे। अजी माखे, इधर उधर ही कर रहा हूँ भाई। भाई तेरी यही बातें मुझे यहाँ खींच लाती है। माखा साहब। हाँ जी। आप इधर बातें करने के लिए बैठते हैं, कोई काम वाम भी कर लिया करें। तुम्हारा क्या मतलब, हम यहाँ पर इंजन खोल रहे हैं या एसी का काम कर रहे हैं? काम ही तो कर रहे हैं। और वैसे रानो, तुम बोलती बहुत हो। हाँ हाँ, मैं बोलती हूँ। मेरी माँ कहती है रानो खैर है, तू कोई बात ही नहीं करती बेटा, कोई बातचीत कर लिया कर, बोलती बहुत। अच्छा, अम्मा जी कहती है की तुम बोलती बहुत कम हो। माँ जी बैरी है? ये बैरी क्या होती है? ओ बैरी, बैरी जहाज, जैसे कि ये। अच्छो साहब, उसको ठीक बताएं। बैरी का मतलब होता है, मैं आपको बताता हूँ, बैरी का मतलब होता है जिसको कम सुनाई दे। हाँ, अम्मा जी भी कम सुनाई देती है। अच्छा, यानी बैरी पिया हुई ना। हाँ भाग्य, मैं इसे पकड़ के लाती हूँ तो सबसे पहले ना इसके बाल। हंस क्यों रही हो? मैं कहने लगी थी सबसे पहले इसके ही बाल काटना, फिर मुझे ख्याल आया यहाँ तो सारे विले ही बैठे हुए हैं। माँ को सुनाई नहीं देता, बेटी अंधी है, विले बैठे हैं, हुक्का खींच रहे हैं। ताजी वैसे बिस्ती टैप नहीं कर गई? अच्छा, इतनी बेइज्जती होती नहीं है जितनी तुम महसूस करवाते हैं। सब आपको जॉब लेटर दिखाएगा। पैसा जूता पॉलिश करवाएगा? नहीं पैसा नहीं। जूता मरम्मत करवाएगा? नहीं बना। तो फिर क्या काम? सिर्फ 2 मिनट बैठेगा चला जाएगा। ऑटो ऑटो ऑट 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 कर कर कर। हम भी जब इधर शुरू शुरू में आया था ना तो हम भी 2 मिनट के लिए इधर बैठा था, आज हम अपने शोरूम बना के इधर बैठा हुआ है। 2 मिनट बैठूंगा चला जाऊंगा। तो परेशान क्यों है तू? उफ यार, अपने गांव जाना है वापस। सारा दिन स्टेशन पे बैठ बैठ कर पागल हो गया हूँ, मैं क्या बताऊं। बस ट्रेनें चलने का नाम ही नहीं ले रही। ओ माखापट साहब, एक और बस का खड़ा हो गया। जाओ लगता है न मुल्क गुआना, अजड़े बैठने सीता मल के छला मुल्क चलाया, मुल्क दा कीता सफाया, सब ने वारी वारी खाया, अवाम दा पट्ठा बिठाया, गल सुन छलिया,
ला बे ते ठोका दईयो ला बिल्कुल टुटियां भजियां वे किसे जोगियां नि छड़ियां वे गल सुन छलिया भोला वे ते ठोका दई ओला छला खूंते तरिये वे गल्ला मूते करिये ड्रोन दे पैसे न फड़िये थोड़ा जिन्ना डेंगी तो डरिये वे गल सुन छलिया भोला वे मच्छर तो का दई ओला भी एक बहुत बड़ी साजिश है माखी। कौन कर रहा है मेरे मुल्क के खिलाफ साजिश?